नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेई नर्ड्स का तीसरा वीडियो में। यहाँ पे मैं जेई एडवांस्ड में पूछा जा चुका सुंदर सुंदर सवाल लेके डिस्कस करता हूँ उसका सोल्यूशंस। तो आज मैं जेई एडवांस्ड 2018 का पेपर वन में पूछा जा चुका एक सवाल को मैं लेके डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और भी बहुत सारा कंटेंट है इस चैनल पे जो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। पे बोला है कि फॉर इच पॉजिटिव इंटीजर एन हमारे पास एक एक्सप्रेशन है वाई एन। अब बोले हैं कि एक्स जो है वो रियल नंबर पे बिलोंग करता है और ये जो डब्बा ऑफ एक्स, हम इसको डब्बा ऑफ एक्स बुलाते थे, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यानी कि डब्बा ऑफ एक्स ऐसा वैल्यू है जो कि एक इंटीजर होगा लेस देन और इक्वल टू एक्स। तब बोले हैं कि अगर ये वाला लिमिट का हम एल मान लेते हैं वैल्यू, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एल क्या होगा, एल का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो कुछ सवाल ऐसा है, अगर आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो थोड़ा सा, तो मैं बता देता हूँ कि सवाल कुछ ऐसा है कि इसका पावर है 1/n। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाई एन इज इक्वल टू 1/n रेस टू द पावर एन टू द पावर 1/n। हम इसको ऐसे लिख ही सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा। आप हमेशा ये जो 1/n है इसको n टू द पावर n इंटू 1/n लिख सकते हैं और इस 1/n को ऐसे पावर में बिठा सकते हैं। तो इससे ये आ जाता है एक्सप्रेशन। इससे हमारा देखिए ये भी 1/n है, ये भी 1/n है, तो इसको हम एक पूरा एक्सप्रेशन के अंदर ला सकते हैं जहाँ पे n टाइम्स n है और यहाँ पे भी n एक्सप्रेशन है। 1, 2, 3, 4 करते करते यहाँ पे n एक्सप्रेशन है और यहाँ पे n टाइम्स प्रोडक्ट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आएगा n प्लस 1/n टाइम्स n प्लस 2/n। ये जो n की पावर n है इसको हम n टर्म्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं टू द पावर 1/n। तो यहाँ पे इसको हम फिर से लिख सकते हैं कि यह होगा 1/1 प्लस n टाइम्स 1 प्लस 2/n ऐसे करते करते 1 प्लस n/n टू द पावर 1/n। ये तो आया हमारे पास y। अब आप देखें कि ये जो प्रोडक्ट है इसको हम आसानी से थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसमें लोगरिदम इम्पोज करके। तो हम लोगरिदम ले लेते हैं बोथ साइड्स का, तो हमारे पास ये तो 1/n बाहर आ जाएगा और हमारे पास जो ये रहेगा, ये जो प्रोडक्ट है ये समेशन में बदल जाएगा। जो भी प्रोडक्ट होता है आप ये जानते हैं कि लॉग ऑफ ए बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसी से आपका जो समेशन होगा आर इक्वल टू 0 से n होगा और लॉग ऑफ 1 प्लस आर बाई एन होगा। अब आपको पूछा गया है कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन। तो अब इस पे आप लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग वाई एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लेके n लॉग ऑफ 1 प्लस आर बाई एन। तो ये एक इनफाइनाइट सम हो गया। और अब ये देख सकते हैं कि ये जो लिमिट है इसको आप अंदर भी डाल सकते हैं। आप जानते हैं कि log x अगर लिमिट होगा कुछ भी x पे कुछ भी लगा होगा ऐसे लिमिट, तो आप इसको ऐसे लिमिट को लॉगरिदम के अंदर घुसा सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है। तो इसी को हम अप्लाई करते हुए log ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन ऐसा हम लिखेंगे इक्वल टू ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये। तो यही जो चीज़ आपको दिया हुआ है ये है L जो आपको बोला रखा है। तो हमारे पास है जो फाइनल एक्सप्रेशन वो ये है कि log ऑफ L इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लेके n log ऑफ 1 प्लस r बाई एन। अब आप देख सकते हैं कि हमको L का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो फाइंड करना है, यानी कि हमको पहले L फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये जो एक्सप्रेशन है एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, एक इनफाइनाइट सम जिसको हम इंटीग्रल में बदल सकते हैं। कैसे, ये जो r इक्वल टू 0 है इससे इसका लिमिट आ जाएगा 0 और जो r इक्वल टू n है इससे इसका लिमिट आ जाएगा 1। और हम r बाई n को x से रिप्लेस कर सकते हैं हमेशा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन आ जाता है वो इसमें टर्न आउट हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम बाय पार्ट्स अगर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये होगा x log 1 प्लस x लिमिट 0 से लेके 1 माइनस 0 से लेके 1 x बाई 1 प्लस x dx। अब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा log L इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है
यहाँ पे हम इसको ये जो 1 और 0 यहाँ पे बिठा के हम इसको बता सकते हैं कि ये log 2 होगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, और इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपका सिंप्लीफाई करके आएगा x माइनस log ऑफ 1 प्लस x, इसको इंटीग्रेट करने में 0 से लेके 1, तो हमारे पास आ जाता है log 2 माइनस 1 प्लस log 2, यानी कि 2 log 2 माइनस 1। अब 2 log 2 को आप log 4 लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि a log b होता है log of b raised to the power a, तो इसी के साथ log 4 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं log e, क्योंकि बेस सब e है, तो यहाँ से हमारे पास फिर से प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके आ जाता है ये जो वैल्यू है वो 4 by e, यानी कि log of l is equal to log of 4 by e, हमारे पास इससे आ जाता है l is equal to 4 by e, e है Euler's constant जिसका वैल्यू समथिंग 2.71 कर, इसका जो आपके पास वैल्यू आएगा 4 by e का ये समथिंग 1.47 समथिंग होगा। तो अब आप अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, तो इससे कम या इससे इक्वल, तो ये तो कोई इंटीजर नहीं है तो इसके इक्वल कुछ होने का सवाल ही नहीं है, इससे कम एक इंटीजर जो सबसे ज़्यादा है वो है 1, तो जो एल का जो बॉक्स फंक्शन है या फिर डब्बा है वो आ गया 1, तो इसका जो आंसर है ये है 1। आशा करता हूँ ये सवाल आपको पसंद आया, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को किसी और तक पहुँचाने का तो शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जेई नट्स के प्रॉब्लम 4 में, शुक्रिया।